प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी के विषय में हम पढ़ने जाएंगे अगला वर्ण अण, जो कि अण जो होता है यह अक्षर यह वर्ण खाली होता है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे हमने इससे पहले का जो वर्ण पढ़ा था ढ, उससे हमने कुछ ढ वर्ण से बनते हुए चित्र भी देखे थे ना, शब्द भी हमने देखे थे, पर अण को कुछ शब्दों के अंत में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इससे कोई भी चित्र नहीं बना है क्योंकि यह अक्षर खाली होता है ना बच्चों। तो चलिए पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ेंगे आज अण वर्ण किस तरह से लिखेंगे और उसे बोलेंगे, किस तरह से वह करेंगे। चलिए फटाफट बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। चलिए बच्चों, यह आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए वर्ण जो है अण, आज की दिनांक लिखेंगे हम। चलिए यहाँ पर है यह पेज नंबर, आप ओपन कीजिए पेज नंबर 44। अब यह देखिए तर्जनी से अक्षर को स्पर्श करके याद करो। ये देखिए बच्चों, यह है अण, इस तरह से आप इसे ध्यान रखिए, है ना। और देखिए बच्चों क्या लिखा है, यह अक्षर खाली होता है ना। मतलब इससे कोई चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पर नहीं, तो इसको हम अब लिखेंगे। चलिए इस अक्षर को लिखो तथा याद करो। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ऊपर जो है शीरो रेखा बनाएंगे जो कि यहाँ पर दी हुई है। फिर हम अम्ब्रेला होता है ना, यू है ना अंग्रेजी का, इस तरह से बनाकर लाएंगे और स्टैंडिंग लाइन करेंगे। चलिए वापस से एक बार, पहले तो ऊपर एक स्लिपिंग लाइन, फिर उसे जोड़ना है, इसके साथ ही इसे जोड़ना है, इस तरह लेकर ये इसे इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। और देखिए बच्चों यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है, पास में नहीं थोड़ा सा दूर ले जाकर एक स्टैंडिंग लाइन। एक और बार इस तरह से देखिए स्लिपिंग लाइन, फिर हमने ये जो स्टैंडिंग लाइन को नीचे खींचकर कर्व करना है और इसे वापस से ऊपर ले जाना है, और उसके पास थोड़ी जगह छोड़कर एक और स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से पाठ्य पुस्तक में आप इसे पूरा करेंगे और बोलते भी जाएंगे। यह वर्ण है अण, कौन सा है अण, यह आपको पूर्ण करना है। चलिए उसके सामने एक पेज दिया हुआ है और चित्र भी बताया है और कहा है खेल खेल में, तो चित्रों को अक्षरों से मिलाइए। आप देख सकते हैं यह हमने पढ़ा ट ठ ड और ढ, यह वर्ण हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब बताया है कि ट से टोकरी कहाँ दिख रही है आपको, ट से टोकरी दिख रही है, तो इसे यहाँ पर हम ले जाएंगे। ठ से क्या हो रहा है, ठ से इस तरह से ठेला वाला यहाँ, ड से डमरू या फिर डफली, यह बताई है डफली, और ढ से हो रहा है ढक्कन। देखा बच्चों, इस तरह से इसे पूर्ण कीजिए। चलिए अब नोटबुक भी आपकी निकालिए, यह आपकी नोटबुक है। हम यहाँ पर सबसे पहले दिनांक लिख लेते हैं। चलिए और कौन सा वर्ण हमने पढ़ा, यह करते हैं अण, तो यहाँ ऊपर पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन से शुरू करेंगे। सबसे पहले शीरो रेखा बनाएंगे, इस तरह से यू बनाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन खींच लेंगे।
यह हो गया अण, वापस से एक बार इस तरह से ले जाकर स्टैंडिंग लाइन खींच लेनी है। बहुत ही सरल है बच्चों, एक ही लाइन में हमें तीन बार लिखना है इसी तरह। अब यह एक लाइन छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन छोड़ दीजिए और तीसरी लाइन, फिर यहाँ पर नीचे वापस से अण बनाइए, शीरो रेखा बनाइए, इस तरह से ले जाकर स्टैंडिंग लाइन। यह आपको पूरे पन्ने पर पूर्ण करना है आज के दिनांक के साथ। तो चलिए बच्चों, आज का यह कार्य पूर्ण कीजिए। धन्यवाद बच्चों।